दोस्तों, यदि आप पढ़ाई करने वालों में से हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों या स्टूडेंट ना हों, लेकिन पढ़ाई करते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन तो आते ही होंगे कि मेमोरी को तेज़ कैसे किया जाए, शार्प कैसे किया जाए, या फिर लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए, या फिर ये बच्चा तो ज़्यादा होशियार है, ये बच्चा कमज़ोर है, इस बच्चे ने तो 1 साल में ही IAS निकाल लिया, दूसरा बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो क्यों नहीं निकाल पाया। तो कुछ साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण होते हैं जिनकी वजह से ये कमज़ोर या होशियार होना होता है। आज के बाद आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि हमें याद नहीं होता या फिर हम कमज़ोर हैं। तो इस वीडियो की दो बड़ी खासियत हैं। पहली बात यह है कि इस वीडियो को मैंने इंटरनेशनल लेवल की 4-5 मेडिकल बुक्स में से पढ़ के इस टॉपिक को तैयार किया है ताकि अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो भी मैं बताऊंगा वो सारे वैज्ञानिक कारण होंगे, यानी जिन वैज्ञानिकों ने पहले कभी ब्रेन पे और ब्रेन की मेमोरी पे जो रिसर्च किए हैं, तब उन्होंने ये निकाला कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मेमोरी बढ़ती है। तो वही कारण मैं यहाँ पे बताऊंगा, कोई नया अपनी तरफ से नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझा सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारे शरीर की इकाई होती है कोशिका, वैसे ही हमारा जो ब्रेन होता है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, यानी तंत्र का पार्ट होता है, और जिसकी इकाई होती है न्यूरॉन, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, मैंने हाथ लगाया हुआ है दोनों साइड में, इसको बोलते हैं टेम्पोरल रीजन। ये कान और कान से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं टेम्पोरल रीजन। और इस वाले पार्ट से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं पैराइटल रीजन, यानी एक पैराइटल इधर, एक पैराइटल इधर। और यदि हाथ में ऐसे रख दूँ तो इसको बोल देंगे ऑक्सीपिटल रीजन, और यदि हाथ में ऐसे रख दूँ तो इसको बोलते हैं ब्रेन का फ्रंटल रीजन। तो ये ब्रेन के कुछ पार्ट हैं जिनसे हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है, इसमें देखने वाला सेंटर होता है, थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। तो आपने कभी देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती है कई बार पीछे की साइड में, चाहे किसी ने लड़ाई झगड़े में मार दिया हो, लठ मार दिया हो या पत्थर मार दिया हो, तो उस व्यक्ति की दृष्टि चली जाती है, आँखों से दिखाई नहीं देता है। यदि चोट गहरी है तो फिर परमानेंटली उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये अलग से नॉलेज है। अब ये जो टेम्पोरल रीजन होता है, इसी में ब्रेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ही हमारी मेमोरी का मेन सेंटर होता है, ठीक है। बस इसी पे हमें चर्चा करनी है कि हिप्पोकैम्पस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी कैसे बनती है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हिप्पोकैम्पस होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हिप्पोकैम्पस प्रॉपर और दूसरा होता है डेंटेट गायरी गायरस, डेंटेट गायरस। बस इतना सा अगर आपने ध्यान रख लिया, डेंटेट जो गायरस है यही मेन पार्ट होता है, इसको आप छोड़ दीजिए। हमारा जो मेमोरी मेन सेंटर है हिप्पोकैम्पस के अंदर, वो होता है डेंटेट गायरस। अब इसको हिप्पोकैम्पस नाम कैसे दिया, ये एक प्रश्न आता है। तो मैं आपको ब्रेन इसका हिप्पोकैम्पस का एक चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ब्रेन का चित्र है और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है हिप्पोकैम्पस। अब इसकी जो एक्चुअल आकृति होती है वो ऐसी होती है। अब इसको सिमिलर माने तो ये होती है समुद्री घोड़े के समान, यानी जो समुद्री घोड़ा है जिसे हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसके समान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसलिए इसको नाम हिप्पोकैम्पस दिया था। तो ये हिप्पोकैम्पस नाम किसने दिया था, 1567 में एक वैज्ञानिक थे जूलियस केसर अरंजी, इन्होंने नाम दिया था हिप्पोकैम्पस, ठीक है। बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, कभी कोई प्रश्न आ जाए कि किस जानवर के नाम पे हमारे ब्रेन का एक पार्ट का नाम भी रखा गया है। तो देखिए, मेन चीज़
होती है वो गायराई होती है, इसी को बोलते हैं मेमोरी सेंटर या स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, यही होता है हमारा मेन चीज़। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ाई जा सके, तो जो भी साइंटिफिक रिसर्च से पाया है वो मैं आपको बताऊंगा। तरीका मेरा थोड़ा सा सिंपल होगा और अलग होगा, बस ये चीज़ देख लीजिए। अगर आप इसको समझ गए तो ये समझो कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि व्यक्ति बुद्धिमान कैसे होता है और कम बुद्धिमान कैसे होता है। इसको मान लीजिए अपना ब्रेन और इसको मान लीजिए गायराई। मैंने बताया कि गायराई स्टोरेज कलेक्शन होता है, तो मान लीजिए ये ब्रेन के अंदर दो गायराई हैं और एक गायराई को मान लीजिए 1 GB डाटा का स्टोरेज, यानी एक गायराई का हम जस्ट मान रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो मान लीजिए किसी के अंदर दो गायराई हैं, एक गायराई में 1 GB स्टोरेज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ये फिलअप कब होगा, 1 GB डाटा जो स्टोर है वो कब फिलअप होगा। दो चीज़ उसमें मेन चीज़ बताई थी कि जब तक गायराई के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं उसकी पिक्चर क्लियर नहीं बनेगी तब तक ये भरेगा ही नहीं। तब तक भरेगा ही नहीं का मतलब क्या है कि वह जितना व्यक्ति बुद्धिमान है उतना ही रहेगा, और यदि इसमें पिक्चर क्लियर बन जाए तो ये जल्दी भर जाएगा। फिर हमारा जो दूसरा 1 GB डाटा वाला स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगा, यानी इसमें इंफॉर्मेशन हो गई, यानी हमने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली। फिर दूसरा गायराई ओपन हो गया 1 GB डाटा का, फिर भी ये भी भर जाएगा, पिक्चर क्लियर बन जाएगी तो फिर तीसरा गायराई क्लियर बन जाएगा। तो फिर इसमें मेन फैक्टर क्या काम करता है कि गायराई बढ़ जाए। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि यदि आप कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करते हैं, यानी ध्यान लगा के जब स्टडी करते हैं तो एक बार में ही यहाँ गायराई के अंदर इमेज जो भी आप पढ़ते हैं उसकी इमेज क्लियर बन जाती है, और जब क्लियर बन जाती है तो ये 1 GB डाटा स्टोरेज जल्दी भर जाता है। फिर दूसरा ओपन हो जाता है, और दूसरा भर जाता है तो तीसरा ओपन हो जाता है, और तीसरा भी भर जाता है। तो ऐसे कर कर के ये गायराई बढ़ते रहते हैं ब्रेन के अंदर और व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता जाता है। तो ये न्यूरॉन्स बन रहे हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस हमारे ब्रेन के अंदर एक यही पार्ट ऐसा है जहाँ पे न्यूरॉन और नए बनते हैं, नहीं एडल्ट अवस्था में जब व्यक्ति आ जाता है तब तक ही न्यूरॉन बनते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यदि किसी को हाइपरटेंशन है यानी बीपी ज़्यादा रहता है, और बीपी ज़्यादा की वजह से किसी की ब्लड की जो आर्टरी है वो फट जाती है तो वहाँ क्लॉट बन जाता है, वो पार्ट डैमेज हो जाता है ब्रेन का, तो वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है या फिर अनकॉन्शियस अवस्था में रहता है या फिर वो सेमी कॉन्शियस अवस्था में रहता है, अर्धचेत अवस्था में रहता है, ठीक से बात नहीं कर पाता है ना पहचान पाता है। तो यही कारण है कि जब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो पिक्चर क्लियर बनेगी, और क्लियर बनेगी तो ये जल्दी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो ब्रेन के अंदर गायराई बढ़ते जाते हैं, यानी ब्रेन का सरफेस एरिया है वो बढ़ता जाता है और इन्फॉर्मेशन जमा होती जाती है। तो आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं IIT करके या कोई इंजीनियरिंग करके IIM करके कि वो 8-10 महीने में ही IAS की परीक्षा क्लियर कर लेते हैं। कारण क्या है कि वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, ध्यान लगा के, चाहे वो एक घंटा पढ़ें तो वो इतना पढ़ लेंगे अच्छे से कि ब्रेन के अंदर यानी गायराई के अंदर उसकी इमेज क्लियर बन जाए, और जितनी बार ज़्यादा पढ़ते हैं तो गायराई की संख्या बढ़ती जाती है। ये मैंने एक फैक्टर निकाला है वैज्ञानिकों ने कि कंसंट्रेशन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है गायराई को बढ़ाने में। दूसरा उन्होंने निकाला था कि यदि आप कोई भी स्टडी करते हैं ये तो उसको कंसंट्रेशन के साथ बार बार पढ़ते हैं
उतनी ही यहाँ पे इमेज और गहरी बनती जाती है। इसका मतलब क्या है कि इमेज जितनी गहरी बनेगी उतना ही वो लंबे समय तक याद रहेगी। अब कोई स्टूडेंट है 5 साल से तैयारी कर रहा है IAS की, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है। कारण क्या है कि वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी जो गहराई की संख्या है वो नहीं बढ़ पाती है, तो वो उतना ही बुद्धिमान रहता है जितना वो पहले तैयारी करने के लिए आया था, या फिर थोड़ा बहुत बढ़ा लेता है। अब जो डिमांड है एग्ज़ाम की जिस लेवल की, उस हिसाब से वो उतना बुद्धिमान नहीं होता है। तो रिपीट, बार बार रिपीट करके पढ़ने से कंसंट्रेशन के साथ होता क्या है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। यानी आप अगर एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसको एक बार पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, क्या नोट्स में हमें लिखना है। तो ये रोल होता है दूसरा, बार बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का। तीसरा फैक्टर उन्होंने निकाला है कि डीप स्लीप यदि आप लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेन में जो तरोताज़ा है वो महसूस होता है ब्रेन सेल्स को, और फिर यहाँ पे जो भी आप पढ़ते हैं उसके बाद वो अच्छे से उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से जाती है और अच्छी पिक्चर बनती है। तो एक कारण ये माना है, और उसकी वजह से भी जब अच्छी पिक्चर बनेगी तो गहराई की संख्या बढ़ेगी। चौथा फैक्टर निकाला है कि हेल्दी एनवायरनमेंट से मतलब, यदि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु आपको मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऐसी जगह पर क्या है कि जो ब्रेन के लिए जो ऑक्सीजन जाएगी वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी, और ये अच्छे से जो ब्रेन सेल्स हैं उनको सैचुरेट कर पाएगी। तो उसके बाद जब आप पढ़ोगे कोई भी चीज़, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसकी क्लियर पिक्चर बनेगी गहराई के अंदर, और फिर जो गहराई है इनकी संख्या बढ़ती जाती है। पांचवा फैक्टर जो निकाला है उन्होंने वो है एरोबिक एक्सरसाइज। यानी आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी अच्छा रहता है, और जो एक्सरसाइज की वजह से जो ऑक्सीजन मिलती है ब्रेन को, जो ज़्यादा सप्लाई होती है ब्लड के साथ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है एक्सरसाइज से, तो उसकी वजह से भी जो ब्रेन सेल्स हैं गहराई हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी जाती है उसके बाद आप जब पढ़ते हैं। डीप स्लीप का भी उन्होंने रोल बहुत ज़्यादा बताया है कि डीप स्लीप का मतलब, यदि आप, कई बार ऐसा होता है कि आप एक घंटे में ही अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे से एक घंटे नींद आई तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल तरोताज़ा हो गए, और कई बार ऐसा होता है कि आप 5 घंटे भी सो गए तो भी आपको ऐसा लगता है सोए नहीं सोए सब बराबर हो गया, सिर दर्द हो रहा है, ऐसा आपने कभी फील किया होगा। यही स्टडी के साथ है कि आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा है जो 5 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी ठीक से, तो पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर। और एक दूसरा स्टूडेंट है वो 1 घंटे पढ़ा है लेकिन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है, और यहाँ पे इमेज उसकी अच्छी बन गई, क्लियर बन गई, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय 5 घंटे के। और जो छठा फैक्टर साइंटिस्टों ने निकाला है कि बुद्धिमानी के लिए, वो है ग्लूकोज का लेवल। ग्लूकोज यानी यदि प्रॉपर ग्लूकोज रहेगा बॉडी के अंदर तो ही ब्रेन सेल्स काम कर पाएंगी। इसका कारण क्या है कि हमारा जो ब्रेन सेल्स होती हैं, ब्रेन होता है, हम जितना भी भोजन लेते हैं उसका 40-50% ग्लूकोज ब्रेन के लिए चाहिए होता है। यानी ब्रेन सेल्स का जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो ग्लूकोज ही होता है। आपने महसूस किया होगा कि आप लगातार पढ़ रहे हैं 4-5 घंटे से, तो फिर पढ़ते 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 ऐसा लगने लगता है कि अब याद नहीं हो रहा है, और पढ़ने वाले स्टूडेंटों को भूख भी ज़्यादा लगती है। यही कारण है कि जो ग्लूकोज का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है स्टूडेंट में, क्योंकि ब्रेन का जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज ही होता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है या याददाश्त बढ़ती है, ये कमेंट करके मुझे बताना। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ,
बादाम खाने से बिल्कुल बुद्धि बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है। कारण क्या है कि बादाम के अंदर ओमेगा थ्री, एक फैटी एसिड पाया जाता है, एक वसा अम्ल पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का जाल होता है एक, और जाल का मतलब एक ये रास्ता जो न्यूरॉन का होता है वो इस तरीके से होता है। और जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आप बादाम खा रहे हैं, तो ओमेगा थ्री क्या करता है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये जो न्यूरॉन्स का रास्ता है इसको बिल्कुल क्लियर करता जाता है, यानी ओमेगा थ्री जो न्यूरॉन्स का पाथवे है उसको क्लियर रखता है, कोई ट्रैफिक नहीं आने देता है रोड पे, आप ये मान के चलिए। तो जब ट्रैफिक नहीं आएगा तो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँचेगी और सही तरीके से पहुँचेगी, और उसकी जो इमेज है गहराई के अंदर वो बिल्कुल क्लियर बनेगी। तो क्लियर बनेगी तो जो स्टोरेज डाटा है वो जल्दी बढ़ जाएगा, और जल्दी बढ़ जाएगा तो फिर एक नया गहराई बन जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है बुद्धिमानी बढ़ाने में। तो आप बादाम खाओ, क्योंकि आप में से किसी को IAS बनना है और किसी को KVC में 7 करोड़ जीतने हैं, तो बादाम तो खाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बस ये थोड़ा सा समझाया था कि हम बुद्धिमानी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं, और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आपको मेहनत कराई है मेरी सफल हो गई है। तो दोस्तों, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आपको आगे चल के मुझे काफ़ी तैयारी करानी है। किसी को UPSC देनी है तो मैं उसकी भी क्लासेस लूँगा, मेरा टाइम का मैनेजमेंट नहीं बन पाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।